एक कपड़े को सूखने में 1 घंटा लगता है, तो 3 कपड़े को सूखने में कितना देर लगेगा? आधा घंटा। बहुत तान्या जी, आप अगर मान लीजिए एक आँख को बंद कर लेती हैं, उससे अगर देखती हैं, ठीक है, तो 10 मीटर दिखता है, दोनों आँख से देखेंगे तो कितना मीटर दिखेगा? कोई बोलेगा नहीं। हैंड डाउन, हैंड डाउन कर लीजिए। नहीं पता है, चलिए कोई बात। सृष्टि जी बताइए, एक आँख से आप देखती हैं, एक आँख को बंद करके देखती हैं, 10 मीटर दिखता है, दोनों आँख से देखेंगे तो कितना मीटर? 10 मीटर। बैठ जाइए, इनके लिए ताली बजा दीजिए। आपके देश के श्री नारायण जामोदर। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। हासिम जी, आपके लिए क्वेश्चन है, आपके जिले का क्या नाम है? जिला का नाम बताइए केवल। डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। बैठ जाइए। चंदौली, चंदौली के डीएम का नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम बताया गया। हाँ बताया गया सर, राइट कराया था आप लोगों ने। नाम तो इतना अच्छा है यार, बहुत अच्छा नाम है। आप बताइए आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएम का नाम? योगी आदित्यनाथ। बैठ जाइए। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? स्कूल का नाम बताइए। स्कूल का आजाद कॉन्वेंट स्कूल। आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल का क्या नाम है? अनुज अग्रहरी। अच्छी बात है। आप ये बताइए आपके जिले के डीएम का क्या नाम है? नरेंद्र। मेरा नाम खुशबू कश्यप है और मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ इस विद्यालय की। वाइस प्रिंसिपल महोदया, जैसा कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, इस विषय में आपके बच्चों को आपका क्या दिशा निर्देश है? मेरा यही दिशा है कि बच्चे अपने आसपास सफाई रखें और अपने घर परिवार, अगर हम सफाई रखेंगे तो उससे हमारा परिवेश साफ सुथरा रहेगा, बच्चे रोग मुक्त होंगे। महोदय, आपसे एक और क्वेश्चन है, ये बताएं आप वर्तमान समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शिक्षा नीति क्या है? सरकार की शिक्षा नीति है कि जिस प्रकार से सरकार चला रही है इस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो उससे एक संदेश मिलता है कि हमारी जो बेटियां हैं, जो गांव में इस समय पिछड़ापन है, वहां की बेटियां भी शिक्षित हो, और बच्चे तो शिक्षित हो ही, इसके साथ साथ बेटियों पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसा एक कुछ समय पहले आपके क्लास 3 में कुछ बच्चों से क्वेश्चन किया गया था, जनरल सा क्वेश्चन था, उसमें बच्चों ने उसका उत्तर नहीं दे पाया, इस पे आपका क्या कहना है? कोशिश तो रहेगी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, और हमारा तो हमेशा इन लोग के साथ साथ रहा ही है कि बच्चे अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। अब इनके ऊपर भी है कि डिपेंड पे है कि बच्चे भी अपना फोकस दें पढ़ाई पर। वर्तमान समय में सरकार की नीति रही है सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, आपका विद्यालय और विद्यालय के बच्चे और टीचरों को इसके लिए क्या दिशा निर्देश है इन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए? बच्चे विकसित होंगे, मतलब बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हमारा विद्यालय का। आप इसके लिए क्या प्रोग्राम चला रही हैं? केवल पढ़ाई से बच्चों का सर्वांगीण विकास तो नहीं हो सकता है, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल। फिजिकल में आपने अभी तक क्या प्रोग्राम रख रखा है? अभी तक बच्चों की कबड्डी चल रही थी, इसके बाद कुछ रस्सी कूद वगैरह, फिर योगा का कार्यक्रम भी चलता है हमेशा। आज़ाद कॉन्वेंट विद्यालय आजाद नगर सैयराया में है। यहाँ के बच्चों से कुछ क्वेश्चन किया गया, कक्षा 3 के बच्चों से क्वेश्चन किया गया कि आपके जिले के डीएम का नाम और आपके नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम। कुछ बच्चे तो बता पाए, जिले के डीएम का भी नाम बताए हैं, डीएम का नाम नहीं बताए, जिले का नाम बताए, परंतु उनके जिले के डीएम का कोई बताते हैं योगी आदित्यनाथ, तो कोई बता रहे हैं नरेंद्र मोदी। आप इससे समझ सकते हैं कि विद्यालय की शिक्षा गुणवत्ता कितनी अच्छी है और किस हद तक पढ़ाई जा रही है। मैं उत्सव अग्रहरी कमलेश भारती।